आइए साहब जी आइए। इतनी जल्दी क्या को आ गए? थोड़ा और आराम से आते ताकि टिंकू की तरह सबके सब सो जाते। कृष्णा। अरे क्या कृष्णा, तीन बार खाना गर्म किया। उठे टिंकू, उठे। अरे भाई कितनी दफा मैंने कहा कि खाना खा लिया करो मेरे बगैर, कोई मानता ही नहीं है। अरे बैठिए ना हमारे साथ। वाह बड़े भैया वाह, आज तक कभी ऐसा हुआ है कि हमने आपके आने के पहले खाना खा लिया हो? पश्चिम से आज तक सूरज नहीं निकला बड़े भैया। और ना ही कभी निकलेगा। कृष्णा खाना लगा दे। बड़ी चंद दिनों की मेहमान है अब तू इस घर में। क्यों भैया, कहाँ जा रही हूँ मैं? बड़ी सीधी सी बात, तेरी शादी हो रही। सच? वो चौधरी साहब है ना, उनका बेटा राहुल। हाँ। क्या ख्याल? बड़ा अच्छा लड़का है, जाना पहचाना भी है और पढ़ा लिखा भी और बहुत सुंदर भी है। मेरी राय में तो तुम अपनी राय अपने पास रखो, हम ज्योति की राय जानना चाहते। नहीं भैया मैं शादी नहीं करूंगी। जब लड़की शर्मा कर ना कहती है ना तो समझिए उसका मतलब हाँ होता है। कृष्णा। अरे मैं तो आपकी वकालत कर रहा हूँ छोटी बालकिन। भाभी माँ इसे मना कीजिए ना। देखिए साहब जी ने कहीं आपकी बातें सच मान ली ना तो बहुत पछताएंगे आप। ठहर जा, वहीं ठहर जा। भागो कृष्णा प्यारे भागो। पिछले जन्म में बहुत से पुण्य क्यों होंगे मैंने जो ऐसे बहन भाई मिले हैं, वरना आज के जमाने में ऐसे बहन भाई कहाँ मिलते हैं। इतना प्यार है आपस में, इतना मेलजोल है। कुमार बेटा, तेरी सौतेली माँ ने आज तक तुझे जिम्मेदारी के सिवा कुछ नहीं दिया और आज भी अपने बच्चों की जिम्मेदारी तुझ पर। माँ मैं अपनी जान से बढ़कर प्यार करूंगा इन्हें, इनकी आंखों में कभी आंसू नहीं आने दूंगा, ये वादा रहा। मैं जानती हूँ बेटे, लेकिन अक्सर अपनी औलाद हो जाने के बाद तुम्हें हमेशा ये डर सताता रहा है ना माँ। तो ले आज मैं तेरे सर पे हाथ रखकर कहता हूँ, मैं कभी भी अपनी औलाद नहीं होने दूंगा, कभी नहीं। मैं तो जब भी इन्हें देखती हूँ तो ऐसा लगता है हमारी कुर्बानी बेकार नहीं गई, इन्होंने कभी हमें अपनी औलाद की कमी महसूस नहीं होने दी, है ना? और जान के जानती हो जब मैंने इस घर का नाम स्वर्ग रखा था, मैं जानता नहीं था कि वाकई ये स्वर्ग हो जाएगा। साइलेंस साइलेंस प्लीज। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं मिल ऑनर्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट के लिए इस साल दो उम्मीदवार खड़े हो रहे हैं। एक हैं श्री धनराज जी जो पिछले 8 सालों से इस कुर्सी की जिम्मेदारी संभालते चले आ रहे हैं, और दूसरे उम्मीदवार हैं श्री कुमार साहब जो पहली बार प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए खड़े हो रहे हैं। श्री धनराज को 11 वोट मिले हैं और श्री कुमार साहब को 13 वोट। कांग्रेचुलेशन। अब मैं पुराने प्रेसिडेंट धनराज जी से दरख्वास्त करूंगा कि वो नए प्रेसिडेंट कुमार साहब को फूलमाला पहनाएं। मैं समझ सकता हूं सेठ जी, 8 साल से जिस कुर्सी पे आप कब्जा जमाए बैठे थे आज एक पल में उसके छिनजाने से आपको कितना दुख हुआ होगा, लेकिन किया भी क्या जा सकता है, ये कुर्सी भी बेवफा महबूबा की तरह है, आज इसकी तो कल उसकी। आज कुमार साहब को मिली है, कल फिर आपको मिल जाएगी। तुम्हें समझता ना थी नागपाल भाई, समझता ना थी तुम्हें। आपका एक कल तो 1 साल के बाद आएगा ना, ये कल कल तो नहीं आने वाला है ना, और इस 1 साल के अंदर कुमार भाई को ये पता चल गया कि मैंने इन 8 साल में इन मिल ऑनर्स एसोसिएशन के लाखों रुपए का फंड का गपला किया है। क्या होगा मेरा, क्या होगा? वो मेरे खिलाफ कार्रवाई शुरू कर देगा, मुझे जेल हो सकती है नागपाल भाई, जेल। आप कुमार साहब से खामखा घबरा रहे थे जी। समझता ना थी तुम्हें, हूँ कुमार साहब से नहीं डरता हूँ, मैं उसकी ईमानदारी से डरता हूँ। हमारे गुजराती में कहावत है नागपाल भाई की, सांप और ईमानदार आदमी दोनों एक साथ मिल जाए तो पहले ईमानदार आदमी को मार डालो, सांप को बाद में मारो। आप चाहते क्या है सेठ जी? आप समझते नहीं नागपाल भाई, ये आदमी साला पहले से मेरे सर का दर्द बना हुआ है, जब देखो तब साला मेरे सामने दीवार बनकर खड़ा रह जाता है। अभी ये थोड़ी दिन पहले की बात है, ये
ये अजंता गारमेंट वाला, ये अजंता गारमेंट की कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट जो आपकी कंपनी को मिला ना, वो पहला मुझे मिलने वाला था, मुझे। और ये पहली बार ऐसा नहीं हुआ है, हर बार ऐसे होता रहा है। इस तरह उसकी कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट पे कॉन्ट्रैक्ट मिलते रहे तो मेरी कंपनी को तो ताला लग जाएगा। सेठ जी, जिंदगी भर 2000 रुपए की नौकरी ना करने पड़े इसलिए मैंने आपके साथ हाथ मिलाया, और जब हाथ मिलाया है तो आपकी मदद करना मेरा फर्ज बनता है। आप सिर्फ बताइए आप चाहते क्या हैं? तुम्हारे कुमार भाई की बर्बादी। नकल भाई, मैं जैसा बोलता हूँ वैसे तुम करते जाओ। ये तुम्हारे कुमार भाई को आसमान से खींचकर जमीन पर न गिरा दूं तो मेरा नाम भी धनराज नहीं। सर, मार्केट से काफी लोन उठा चुके हैं, अब भी 50 लाख कम पड़ रहा है। चौधरी साहब से हमने फ्रेंडली लोन मांगा था, क्या हुआ, भिजवाया नहीं उन्होंने? सर, इतनी बड़ी रकम है, कोई भी सिक्योरिटी चाहेगा। चौधरी साहब ने कहा? जी नहीं, उनके वकील ने। ऐसे ठीक है, सिक्योरिटी के तौर पर हमारा बंगला गिरवी रख दो, कागजात पर साइन कर दूं। ओके सर। साहब जी, ये क्या कर रहे हैं आप? मकान गिरवी रख देंगे तो हम सब रहेंगे कहाँ? अरे पगले, घर में गिरवी रख रहा हूँ, बेच थोड़ी रहा हूँ। बिजनेसमैन एक किसान की तरह होता है, जिस तरह किसान फसल कटने पर अपना कर्जा चुका देता है, इसी तरह हमारी गुड्स की डिलीवरी पर हम अपना कर्जा चुका देंगे। मगर साहब, अरे ये बिजनेस है, आसानी से तेरे दिमाग में नहीं घुसेगा। दौलत कमाना इतना आसान थोड़ी है। ये दौलत भी आदमी जरूरत से ज्यादा कमा लेना साहब जी तो जी का जंजाल बन जाती है। और फिर आदमी कितना भी कमा ले तो रुई और रबड़ के तकिए पर सो सकता है, चांदी के तकिए पर तो नहीं सो सकता। बात तो तूने सही कही, लेकिन ये बता आजकल तू इतना रुपया क्यों ले जाने लगा है? अरे साहब जी, हमारे जो छोटे साहब है वो दान पुण्य के मामले में आपसे कम थोड़ी है। अभी अपने विक्की भैया कह रहे थे कि 10,000 रुपया अनाथ आश्रम में दान करना। हाँ, दान पुण्य तो करना चाहिए। सर, वर्कर्स बहुत खुश हैं, काम भी बहुत जोरों से चल रहा है, लगता है मजंता गारमेंट्स का ऑर्डर वक्त से पहले। नमस्कार कुमार साहब, केम छो? नमस्ते, कैसे हो धनराज? मैं तो अच्छा हूँ कुमार साहब, लेकिन आप मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं कर रहे हैं। उड़ते उड़ते मेरे कान में खबर पहुंची है कि आप मेरे खिलाफ कुछ कार्रवाई कर रहे हैं। मैं आपकी बहुत इज्जत करता था धनराज जी, कभी सोच भी नहीं सकता था कि आप जैसा आदमी ऐसी बेईमानी का काम करेगा। सु बात करो जो बेईमानी और मैं, ये तो दो बातें कुमार साहब। जी नहीं, दोनों बातों का एक ही नाम है, सेठ धनराज। बड़ी सीधी सी बात है, आपने मिल ओनर्स के फंड में लाखों रुपए की हेरा फेरी की, आपने प्रेसिडेंट की कुर्सी का नाजायज फायदा उठाया। कुर्सी का फायदा कौन नहीं उठाता कुमार साहब, बेईमानी से तो सारी दुनिया चलती है। अब ऐसा करके जी ना कि ऐसा कोई रास्ता निकाले ना कि मैं भी मगनमारी से बच जाऊं और आपकी परेशानी भी दूर हो जाए। देखो, उसके लिए आपको मेरे पर कुछ गिरवी भी नहीं रखना पड़ेगा ना, और जिंदगी में आपको कभी भी ये पैसे लौटाने की भी जरूरत नहीं है। आपने मुझे चाटा मारा? तुम्हारे सवाल का जवाब दिया है मैंने, और इससे अच्छा जवाब था भी नहीं मेरे पास। हमारे गुजराती में एक कहावत है कि खाना है तो चाटा भी खा लो, मगर प्याज के साथ वापस करो। प्याज के साथ लौटाऊंगा कुमार, प्याज के साथ।